सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रसोई घर में घर की हर एक माताओं को ये तीन बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपके घर में आजकल हमारे घर में काम करने वाले बहुत सारे लगे रहते हैं। देखिए, सबके यहाँ नहीं, किसी किसी के यहाँ घर की माताएं कार्य नहीं करती। तो शास्त्र ने कहा ये जो तीन कार्य है, घर की नारी को, घर की लक्ष्मी को स्वयं कर लेना चाहिए। ये कौन से तीन कार्य हैं? आप अगर घर की बहू हैं, घर की लक्ष्मी हैं, घर की माताएं नारियां हैं, तो जरूर इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आप इस नियम का, इस तीन नियम का पालन करती हैं, तो लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेंगी। कौन से तीन कार्य हैं? देखिए, घर में आपके बनाने वाले, रसोई घर में भोजन बनाने वाले आपने लगा के रखा है, कोई बात नहीं, रोटी चाय कोई भी बना ले, लेकिन दाल सब्जी भाजी घर की माताओं को, घर की बहुओं को ही बनाना चाहिए। ये बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, घर में जब भी दूध आए, चाहे पैकेट से आ रहा हो, थैला से आ रहा हो, बोतल से आ रहा हो, जब बाहर से दूध आए, तो सबसे पहले हाथ में घर की बहुओं को, घर की नारियों को, माताओं को वो दूध अपने हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि शास्त्र की नीति है, दूध हाथ झेले तो पूत पालना झेले। बहुत अच्छी बात शास्त्र ने बताया, घर की माताओं को ही दूध पहले हाथ में लेना चाहिए और उसके बाद कोई भी उसको गर्म करें, अच्छे से रखें, गर्म कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले दूध माता को ही, घर की नारियों को ही अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता आपसे प्रसन्न होती है। आप सबको जानकारी है, जब हम नया घर बनाते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, तो रसोई घर में सबसे पहले गैस जला करके दूध को ही चढ़ाया जाता है और दूध को हम गैस में चढ़ाते हैं, इसलिए दूध लक्ष्मी देने वाली है। इसलिए दूध सबसे पहले माता को ही, घर की बहुओं को ही ले लेना चाहिए। और तीसरी बात, कहते हैं रसोई घर में हर माताएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अवश्य ये कार्य आज ही से करना प्रारंभ करें। आपके घर में आरओ है, रसोई में फिल्टर का पानी आप पीते हैं, नल लगा हुआ है, वो पहले की तरह जमाना नहीं रहा कि मटका में भर के लाते थे, दूर कुआं में से पानी ले आए, सिर पे रख के वो मटका और रसोई में रखे और ठंडा जल पिए। अब तो फ्रिज में बोतल भर भर के पानी पीते हैं ठंडा पानी के लिए। पहले पहले हर घर में मटका हुआ करता था, लेकिन आज भी आप नियम बनाइए कि हमारे घर में, हमारे रसोई में फूल फैसिलिटी है, सुंदर व्यवस्था है, फिर भी एक छोटा सा मिट्टी का मटका रसोई में होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मटका जहाँ रखते हैं वो हमारे पितरों का स्थान कहा गया है। और कोशिश ये करें कि कभी भी वो मटका खाली ना हो। अगर मटका खाली पड़ जाए तो हमारे घर के पितरी हमसे रुष्ट हो जाएंगे और श्राप देंगे। अगर पितरी रुष्ट हो जाते हैं तो हमें बहुत बड़े संकट, बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ता है। कभी भी मटका को खाली ना होने दें, आधा से कम जल कभी ना होने दें, वो पितरों का स्थान है। और कोशिश ये करें घी का दीपक
रोज मटका के सामने जला दें। ऐसा करने से लक्ष्मी तो खुश हो ही जाएंगी और आपके पितर भी आपसे खुश होकर के प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते रहेंगे। और पितृ खुश हो गए, लक्ष्मी खुश हो गई, तो घर में बरकत ही बरकत है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। प्यार से बोल दीजिए ना।